हमारा देश संकट से गुजर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में सब कुछ बंद है। यह लॉकडाउन आज तो सिर्फ घर में रहने की एक हिदायत है, मगर इससे गरीबी और भुखमरी भी फैल रही है। हालांकि इस देश के लिए अभी सबसे अधिक कुछ जरूरी है तो वो है यह लॉकडाउन, जिससे आप बचे रह सके। बड़े बड़े विकसित देशों ने आर्थिक संकट ना बढ़े इसके चलते अपने देश में लॉकडाउन नहीं किया, जिससे वहां की जनता लगातार कोरोना की चपेट में आ रही है। साथ ही साथ वहां मरने वालों का आंकड़ा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि अगर कोरोना से बचना है तो बस एक ही उपाय है कि हम घरों में बने रहें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। लेकिन इसके साथ साथ देश के सभी उद्योग, व्यवसाय और रोजगार ठप हो चले हैं, जिसके चलते हमारे देश के दैनिक दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। उन्हें रोज नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत की संस्कृति में, जीवन पद्धति में अपनी एक अलग शैली है। सभी देशवासियों ने कोरोना से लड़ने में अपनी सहायता दी है और देश सेवा करने की एक नई मिसाल पेश भी की है। मगर ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। इसलिए खबर 100 आपसे अपील करता है कि ये अवसर है अनेकता में एकता दिखाने का। आप अपने घर पर रहकर भी देश सेवा कर सकते हैं। केवल दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी या अचार, बस आप इतना दान करें और देखिए कि कैसे भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आप सभी देशवासियों से खबर 100 की विनम्र अपील है कि यदि आप स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है, तो घर पर कम से कम दो रोटी ज़रूर बनाइए एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ सब्जी का पार्सल कीजिए, जिससे कोने कोने में आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के दो युवाओं का चयन करें। किसी भी जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन लोगों को जानते ही होंगे, उन लोगों तक, उन गरीबों तक वो खाना पहुँचाए, क्योंकि जो संस्थाएं अभी खाना बांट रही है ना कभी वो भी शायद थक जाएंगी और परेशान हो जाएंगी। आप चाहें तो उन सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पार्सल उन्हें भी दे सकते हैं। अगर सारा देश दो रोटी एक्स्ट्रा बनाएगा और ये काम करेगा तो प्रशासन का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा और शायद इस देश में फिर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप ये करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें।